पूरा चीज से बताओ। मुझे 15 दिन में ब्लड लगता है, मुझे 3 साल से लग रहा है और मेरे छोटे भाई को भी ब्लड लगता है। आप प्लीज डोनेट करिए हम लोग के लिए, जिससे हम लोग को ब्लड हमेशा मिलते रहे। मेरी एज है 10 साल की और मेरे छोटे भाई की है 8 साल की। बेटा जब आपको ब्लड की कमी होती है तो प्रॉब्लम होती है आपको? हाँ, बुखार आ जाता है। हाँ, सर में दर्द भी रहता है? हाँ, थोड़ा कमजोरी होती है। हाँ। अच्छा ये बता, आप स्कूल जाते हो? हाँ। जब ब्लड की कमी होती है उस समय आपको कितनी तकलीफ होती है? पैर में दर्द होने लगता है, पेट में भी दर्द होने लगता है। आज भी आपको ब्लड चढ़ा है? ठीक है। ये आपके छोटे भाई साहब है, इनको कितने दिन में ब्लड चढ़ता है बेटा? 15 दिन में। और ब्लड आपको कहाँ से मिलता है? जो लोग डोनर्स डोनेट करते हैं उन्हीं से मिलता है ना। अब हर 15 दिन 20 दिन में तो आपके पेरेंट्स डोनेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप लोगों से क्या कहना चाहोगे? आप प्लीज ब्लड डोनेट करिए हम सबके लिए। इस तरह के और भी बच्चे हैं क्या? आप आते हो यहाँ पे ब्लड चढ़वाने तो देखते, और भी बच्चे हैं इस तरह के? बहुत सारे बच्चे है ना। भूमिका, आप कुछ कहना चाहोगे बेटा? बस यही बोलना चाहूँगी कि आप सब प्लीज ब्लड डोनेट करिए, ताकि हम लोगों को ब्लड हमेशा अवेलेबल रहे, हमें कभी दिक्कत ना हो ब्लड लगवाने में, क्योंकि हमें ही पता है जब ब्लड नहीं मिलता है तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है हमें, हमारी फैमिली को। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डोनेट द ब्लड एंड सेव आवर लाइफ। बेटा आप कितने सारे बच्चों को जानते हो या देखते हो, एक रफ बताओ, जो इस बीमारी से पीड़ित है, जिनको आयरन ब्लड चढ़ता है? ऑलमोस्ट 100 तो शायद उससे भी ज्यादा होंगे जिनको इतना फ्रिक्वेंटली ब्लड चढ़ता है। तो जैसे आप जिन थैलेसीमिया और सिकल सेल बच्चे जो है जिनको फ्रिक्वेंटली ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है, आप में से अधिकतर लोग हमेशा ये सोचते हैं कितना ब्लड डोनेशन होता है, कहाँ चला जाता है। तो इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था, एक बार प्लीज आके देखें, इन बच्चों से मिलें एक बार, क्योंकि आज जन्माष्टमी का दिन है और आप सब कृष्ण की उस जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं, अपने धर्म में जो कृष्ण को मानते हैं वो समझ सकते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और ये बच्चे जो है ये वैसे ही भगवान का रूप है, इनका अंश है इनमें। और ये जब तकलीफ में होते हैं इनके पेरेंट्स समझते हैं, यहाँ पे जो ब्लड डोनर्स हैं वो समझते हैं, यहाँ पे जो ब्लड देते हैं जो यहाँ का स्टाफ है वो भी समझते हैं। आए दिन उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है, अपील की जाती है। हमारे यहाँ डॉक्टर सुधा रामदेव मैडम वरिष्ठ जो है चिकित्सक, वो हमेशा FB के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से रिक्वेस्ट करते रहते हैं किसी को निगेटिव ब्लड की जरूरत है, पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है, और आप में से कुछ अच्छे लोग उसकी पूर्ति भी करते हैं। लेकिन हम सबको ये समझना चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इस तरह के बच्चों का कोई कसूर नहीं है। अगर हमें लगता है कि हमारे छोटे से ही सिर्फ इतने प्रयास से कि पर ब्लड डोनेशन से अगर किसी की जान बचती है तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें बुराई क्या है? अगर आपको डर लगता है, कोई चीज की समस्या का समाधान चाहिए, कोई क्वेश्चंस हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमसे पूछें, हम आपको उसका जवाब देंगे। लेकिन कृपया ब्लड डोनेशन में आगे आकर पार्टिसिपेट करें और इस तरह के बच्चों की जान बचाएं। धन्यवाद, जय हो। क्या नाम है आपका? किसका? चलिए।